नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। उमा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ मिठाई बनाने। किस चीज़ की मिठाई बनाऊंगी? आज मैं बनाऊंगी ब्रेड की मिठाई, जो कि बिट्टू को और साहिल को बहुत पसंद है। बिट्टू बाहर पढ़ने नहीं गया था, पहले तो अधिकतर बोलता था मम्मी ब्रेड की मिठाई कब बनाओगी, बनाओ। मैं अधिकतर बनाती रहती थी और जब से बाहर चला गया अब नहीं बनाती हूँ, क्योंकि साहिल भी नहीं बोलता है कि मम्मी मिठाई बनाओ। उसको ये लगता है भैया नहीं, मम्मी मत बनाओ, जब भैया आ जाए तब बनाना। आया है 2-3 दिन की छुट्टी में, जा रही हूँ आज मिठाई बना दूँ ब्रेड की। दोनों लोग खा लेंगे और हम लोग भी खाएंगे। पता है दोस्तों, कोई चीज़ बच्चों को पसंद होती है ना खाने पीने की, तो जब बच्चे बाहर चले जाते हैं ना तो फिर बनाने की इच्छा नहीं होती। ये लगता है कि अरे हम बना के खा रहे हैं, पता नहीं बच्चे क्या खाएंगे क्या ना खाएंगे, इच्छा भी नहीं होती बनाने के लिए। और बच्चे घर पे होते हैं ना तो हर चीज़ बनाने की इच्छा भी होती है, खाने की भी इच्छा होती है। मैं कोई वैसी जल्दी चीज़ बनाती नहीं, जब से बिट्टू चला गया बड़ी याद आने लगती है कि पता नहीं बिट्टू को कोई चीज़ खाने के लिए होती नहीं, बाहर बाहर होता है। चलो गुड मॉर्निंग कर लो, चलो शायद भैया उठ गया। पता है साहिल आज क्या बना रही हूँ? आज बना रही हूँ ब्रेड की मिठाई। चलो चलो उठो, दूध लेने भी जाना, दूध ले आओ, ब्रेड की मिठाई बना जल्दी से। चलो भैया को भी चला, शायद ब्रेड भी लेने जाओ ना। कैसे दोस्तों, जा रहे हैं जल्दी से बना लो मिठाई। तुम क्या कर रही हो? क्या हो गया? कहाँ से आई हो? आ जा ऊपर आ, इधर आ, इधर आ, हाँ ऊपर आ, आ जा। क्या हो गया? कहाँ से आई? कहाँ से आई? कहाँ से आई? शायद जग गया क्या? तुम भी तो सो गई, तुम भी जग गई क्या? खा के सो जाती हो, खा के सो जाती हो, कोई काम वाम करती हो? वहाँ नहीं, कपड़ा नमा उतरो नीचे। चलो साहिल आ जाओ, आ जाओ। लेट गई, देख देख कहाँ लेट गई, पागल है। आ जाओ आप, भैया को जगाओ, चाय बन गई है, चाय पियो, दूध ले आओ, ब्रेड ले आओ, बना दो जल्दी से मिठाई। दोस्तों यहाँ पर मेरी पक रही चाय, यहाँ पे आलू में थोड़ी पक रही सब्जी, मिथौरी की सब्जी बिट्टू को बहुत पसंद है। मैं उसको आज लाऊँ मिथौरी की सब्जी बनाने। बच्चों को कोई चीज़ पसंद होती है वो घर पे नहीं होते, बाहर चले जाते हैं, नौकरी पे जाएं या पढ़ने जाएं या कमाने जाएं, कहीं बाहर चले जाते हैं। तो जब बाहर से आते हैं बड़ी खुशी मिलती है और बड़ा अच्छा लगता है, लगेगा मेरे बच्चे को ये पसंद था, लाओ ये भी बना खिला दें, ये पसंद था ये भी बना दें, वो भी बना दें, चाहे पूरा दिन लग जाए तो थकान लगती है। आना तो सर्दी में बनाओ तो ना सर्दी लगेगी, गर्मी में बनाओ तो ना गर्मी लगेगी। बड़ा अच्छा लगता है बना बना खिलाने में। और जब घर पे नहीं होते ना तो त्यौहार को भी मन नहीं करता कोई चीज़ बनाने के लिए, लगे अरे हटाओ बच्चे नहीं हैं, बड़ा वो लगता है। आज जा रही हूँ बिट्टू की पसंद की बनाने मिठाई, क्योंकि बाहर जाते हैं किराए का कमरा लेते हैं तो खुद भी बना के नहीं खा सकते, हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में इतना अच्छा को कम बना बना के देता है खाने के लिए, वही दाल और रोटी चावल सब्जी यही सब मिलता है। कमरे में रहो तो वही दाल रोटी सब्जी चावल यही बना के खाओ, बना नहीं पाते। तुम क्या कर रही हो? मिलती हूँ दोस्तों आप लोगों से थोड़ी देर बाद, इन लोगों को चाय दे दूँ छान के। दोस्तों अब मैं जा रही हूँ मिठाई बनाने, मिठाई बनाने के लिए आ गई है मेरी ब्रेड और साहिल दूध भी ले आया है। मेवा डालने के लिए मैंने सारा मेवा काट के रख लिया है। क्या क्या मैंने मेवा में काटा है आप लोगों को दिखाती हूँ।
दोस्तों ये है मेरा मिल्क पाउडर 3 चम्मच लिया है, और ये है मखाने, ये है गोंद, मैंने घी में अच्छे से तल लिया है इसको, और ये भी बड़े मखाने भी हैं, ये दूध में डाल दूँगी। गरी थोड़ी सी काटी है, थोड़ी सी घिसी है कद्दूकस में, ये किशमिश, ये बादाम, और ये पिस्ता, ये मेरा दूध। कढ़ाई मैंने रख दिया गैस के ऊपर, अब रखे दे रहे हैं दूध पकने के लिए। दोस्तों यहाँ पर कच्चा दूध लिया है मैंने, पका नहीं है, क्योंकि पक जाएगा वैसे ही, इतना बचा है तो यहाँ पे रखे दे रहे हैं, चाय के लिए पक जाएगा। जब तक मेरा दूध पकेगा तब तक मैं ब्रेड निकाल ले रही हूँ। अबे रुक जा, ओ कितनी बड़ी बड़ी है, प्लेट निकालो। ओके जी जी सर, हमको ये भंडारा चाहिए। ये वाली सब्जी पूरी। सब्जी पूरी? हाँ दोस्तों, इस बार मैं किनारे किनारे का नहीं निकालूंगी, सीधे काट लेते हैं इनको, क्योंकि देखने में अच्छी लगेंगी। हाँ भैया, भूरी भूरी किनारे की गर्दन काट दी, गर्दन अलग पेट अलग, देखने में अच्छी लगेंगी किनारे किनारे एक साथ हत्या कर रही है। किसी को मैंने बर्फ छुड़ाई। अच्छा बरक चिराई हो, नहीं होता बक चिराई हो, बक चिराई। दोस्तों मैंने काट लिया सारी ब्रेड है, इस बार मैंने किनारे का नहीं निकाला है, निकाल देती थी पर इस बार मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि अच्छा लगेगा देखने में। आपकी जैसी इच्छा हो काट वैसे बना लो, काट सकते हैं। दोस्तों मेरा दूध पक गया है, और इसमें डाले दे रही हूँ मिल्क पाउडर। दूध मम्मी है दूध में, और दूध डाल दिया, गाढ़ा हो गया दूध, गाढ़ा हो गया। और इसमें डाले दे रही हूँ काटी वाली गरी, और जो काटे नहीं है मखाने, काटे वाले मैंने यहाँ पे रखे थे, ये वाले डालेंगे बाद में डेकोरेट करने के लिए। पिछली बार मम्मी मखाने नहीं डाले थे ना, गरी डाली थी, डालो मखाने नहीं डाले थे, गरी डाले। शक्कर भी डाल देते हैं, से डाल लिया है शक्कर, क्योंकि हम लोग कम मीठा खाते हैं, स्वाद अनुसार शायद कहीं रहा, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा स्वाद अनुसार, शायद बताता जा रहा है स्वाद अनुसार, ब्रेड भी स्वाद अनुसार, सब कुछ स्वाद अनुसार। अच्छा फ्रीज से ठंडा दूध लिया, इसमें कितना थोड़ा सा लेगा, दोस्तों अभी यहाँ पर दूध पक रहा है हमारा, तब तक इसमें हम दूध डाले ले रहे हैं, दूध की बौछार ऐसे ऐसे,
पूरे ब्रेड में डाल लेंगे। मम्मी जैसे शादी में नहीं दूध बनता उसमें शादी में वो होते हैं कुल्हड़ में डाल देते तो वैसा वाला दूध लग रहा है ये। हाँ बड़ी सी कढ़ाइया होती है ना फैला ना देना। अरे मैं एक्सपर्ट 20 साल का तो दूंगा। मैंने सारी ब्रेड में दूध डाल दिया है। अच्छे से घोल ले रही हूँ। ठंडे दूध में मैंने डाला है, गर्म दूध में डालने से ना गांठें पड़ जाती हैं। इसको भी डाल दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म होने को रख दिया है और इसमें डाले दे रही हूँ मैं घी। इसमें ब्रेड तलूंगी, तली हुई ब्रेड की मैं मिठाई बनाऊंगी थोड़ी से। पर मेरा अभी पक रहा है दूध, यहाँ पर जब तक निकाली ले रही हूँ तब के ब्रेड। क्यों रे मेरी बैंक की पासबुक तो नहीं है? मुझे नहीं मम्मा, मैं भी डाल दूँ एक तो निकाल ले तो दो। तुमको बड़ा बुरा हो रहा है। डाल दो। दोस्तों दूध अच्छे से पक गया है, गाढ़ा भी हो गया है। गैस बंद कर दे रही हूँ, हल्का ठंडा हो जाए फिर डालूंगी मैं ये दूध ब्रेड के ऊपर। गैस बंद कर दे रही हूँ, बहुत चलाना पड़ता है, चलाते चलाते इसको गाढ़ा करना पड़ता है, ऐसे लग ना जाए क्योंकि महक आ जाती है फिर जली जली जैसे दूध में। दोस्तों जब तक दूध ठंडा हो रहा है ब्रेड की मिठाई में डालने वाला, तब तक मैं कपड़ों में प्रेस कर दूं जल्दी से। आधे कपड़ों में बिट्टू के पापा कर दिए हैं और चले गए हैं साइड की साइकिल सही करवाने। मैं कहा जब तक दूध ठंडा हो रहा है कर दूं जल्दी से प्रेस। बड़ी हो जा लंबी। हाँ? लंबी हो जा, लटका करो। दोस्तों दूध ठंडा हो गया है, अब डालते हैं इसको ब्रेडन में। पहले मखान डाल देती हूँ, आपको जो पसंद हो मेवे में वो डाल सकते हो। मैंने डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके सारा मेवा। पूरी ब्रेड में डाल देंगे। कितनी अच्छे लग रहे हैं। जब हमने फंडा नहीं निकलवाया था ना। तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही, क्या कर रही, घुस गई? दोस्तों मैंने दूध डाल दिया है, अब डाले दे रहे हैं इसमें गोंद।
कौन अच्छी लगा करती है खाने में? गोंद डाल, मुँह चिपक गया तो क्यों चिपकेगी? गोंद है ना, गोंद है तो उससे क्या लगा? तो गोंद से तुम आप लोगों को पसंद हो तो डालिएगा, ना पसंद हो तो कोई बात नहीं। गोंद कौन खाता है? अच्छी लगती है इसलिए डाली दे रही हूँ मैं। मम्मी ऐसा लग रहा है बिकने के लिए जा रही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरी तली हुई ब्रेड की मिठाई और बिना तली हुई ब्रेड की मिठाई आप लोगों को कैसी लगी, जरूर बताइएगा कमेंट में। मेरी ब्रेड की मिठाई बन के तैयार हो गई और मैंने अच्छे से सजा भी दिया मेवा से। ये देखिए मैंने कैसे सजाया है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना अच्छे से सजाया है कि नहीं। मैंने कोशिश किया है मेवे से सजाने के लिए, जैसी बनी वैसे सजा दिया है, मुझसे अच्छे से बनता तो नहीं है। और मेरी ब्रेड की मिठाई आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो अब इसको रखे दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। दोस्तों ये तली वाली ब्रेड की मिठाई है और ये दोनों प्लेटन की बिना तली वाली। आप लोगों को कौन पसंद आई, तली वाली या बिना तली वाली? बिना तली वाली है। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। दोस्तों अच्छे से सज गई है मेरी मिठाई, दूध पूरे ब्रेड में अच्छे से हो गया है। अब इन लोगों के लिए दिए दे रही हूँ तो ये खाएंगे। मम्मी मेरे को ये वाली, क्योंकि साहिल की लुक लुकी लगी हुई, लुक लुकी रहा नहीं जा रहा है। हाँ हाँ नहीं बस। अब ये पापा को पता तक चला गया है कि टूट जा रही है। मम्मी कल मैं स्कूल लेके जाऊंगा। कल झंडा है? झंडा कल कहाँ है? झंडा परसों है। कैसी लग रही बिट्टू? बढ़िया। मजा आई शायद तुम्हें? मन पसंद है तो अच्छी तो लगेगी। दूध मीठा है? देखो बेड पे गिरा दिया। अगर आप थोड़े से पानी के साथ या एक चम्मच दूध के साथ या किसी चीज या शहद के साथ पी सकते हैं। मजा आ गई शायद बिट्टू को ब्रेड की मिठाई खाकर। ये सच में जादू। दोस्तों साहिल को और बिट्टू को ब्रेड की मिठाई खा के मजा आ गई। और बिट्टू के पापा को आप लोगों कैसी लगी है मेरी ब्रेड की मिठाई? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। पागल बिट्टू।